मुलुंड शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन के व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक उनको दुकानें खोलने की, व्यापार करने की परमिशन दी जाए। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। हमारी महाराष्ट्र सरकार से यही विनंती है कि हम दुकानदार 2020 से लेके अभी तक ये लॉकडाउन और कोरोना के वजह से हमारी बेहालत है, हमारे धंधे अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो हमने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और टी विभाग के सहायक आयुक्त किशोर गांधी साहब से हमने विनंती की है कि हमें हमारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमको चालू करने दीजिए, क्योंकि हमारी खुद की परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि 2020 से लेके और 2021 तक हमारे दुकान की ऐसी परिस्थिति होगी कि माल सड़ गए हुए हैं, हमारे खुद की घर की हालत ख़राब है, हमें बैंक का EMI भरना पड़ता है, बैंक वाले मान नहीं रहे हैं। हमने हमारे एसोसिएशन शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने महाराष्ट्र सरकार को हमने विनती की है, मुंबई महानगर पालिका को विनती की है कि हमारे सभी व्यापारी दुकानदार भाइयों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमको हमारा व्यवसाय, हमारी दुकान चालू रखने के लिए हमको हमारी विनती मंजूर करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भीम।